हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास नाइन्थ हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें आज हम अपना नया चैप्टर, ठीक है, चैप्टर टू, और उसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग जो है कवर करेंगे। और चैप्टर का हमारा नाम क्या है? सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि समाजवाद, यूरोप का समाजवाद या यूरोप में समाजवाद, और रशियन रेवोल्यूशन, जो रूस की जो क्रांति थी उसको जो है हम होल एंड सोल इसमें हम कवर करेंगे। और एक काफ़ी अच्छा सेगमेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है लास्ट की वीडियोज में हमने कवर कर लिया है। उसके बाद जो है अब हम लोग जो है रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक बदलाव का जो दौर है उसके बारे में बात हो रही है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में या पिछले चैप्टर्स में जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, और जिसके जो सबसे महत्वपूर्ण दो आउटपुट निकले, यानी जो दो सबसे जो दो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स बने लोगों के लिए, आइडियाज ऑफ फ्रीडम यानी कि विचारों की स्वतंत्रता, और इक्वालिटी यानी कि समानता, ये किस तरीके से लोगों के बीच में सर्कुलेट हुई और इसने किस तरीके से यूरोप को प्रभावित किया। फिर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन्ड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंजेस इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। और फ्रांस की क्रांति ने जो है सामाजिक ढांचा जिस तरीके से बना होता है और उसमें किस तरीके से नाटकीय ढंग से बदलाव हो रहा है, उसमें जो है एक तरीके की संभावना भी शुरू हुई कि अब जो है समाज वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। As you have read before, the 18th century society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church. अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि देखिए, जो यूरोप की जो सोसाइटी थी वो पहले नॉर्मली तीन तीन या चार अलग अलग भागों में विभाजित थी, जिसमें सबसे टॉप पे क्या होते थे, सबसे टॉप पे पहले तो ये जो है इसको आप दो हिस्से में ले लीजिए, स्टेट्स और सोसाइटी, यानी कि स्टेट और सोसाइटी में ले सकते हैं, एक एरिस्टोक्रेसी में भी हो सकता है। इसमें आप चीजों को इस तरीके समझिए कि जैसे कि सबसे ऊपर किंग थे, फिर उसके बाद क्लर्जी वगैरह थे, फिर नोबल्स थे, ठीक है, फिर उसके बाद किसान वगैरह आते थे। तो ये चार सेगमेंट में सोसाइटी बटी हुई थी, लेकिन अब समाज वैसा नहीं रहेगा। वजह यह है कि अब लोगों के अंदर जो है जो कंसेंस है, उनके अंदर जो चेतना वगैरह है, उनके राइट्स को लेके अब वो जग चुकी है। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्स पीपुल टू चेंज दिस। और जब जैसे ही फ्रांस की क्रांति हो जाती है, उसके बाद लोग जो है इसको कहीं ना कहीं अब खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगन टू डिस्कस। और फाइनली जो ये फ्रांस की क्रांति थी, उसका जो मेन आउटपुट ये था कि अब जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिविजुअल राइट यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, एक व्यक्ति की पर्सनल जो उसके अधिकार क्या है, इसके बारे में, नए विचारों के बारे में यूरोप और एशिया को छोड़ के और भी जितने भी देश थे वहां पर भी बातें होने लगी थी। जैसे कि भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो जो एक यंग एंग्लो इंडियन फिलोसफर्स और टीचर रहे हैं बंगाल में, उनका जो है काफी जो है सिग्निफिकेंस रहा है उनके ऊपर फ्रांस की क्रांति का। एंड मनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और फिर जो है जो क्रांतिकारी यूरोप के बारे में जो है बहुत सारी चर्चा के मुद्दे बन गए इससे। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। और यही सारी चीज बाद में क्या हुआ कि जितने भी औपनिवेशिक या कॉलोनीज वगैरह थी वहां पर लोगों के अंदर जो है सामाजिक बदलाव वगैरह लाने लगी हुई थी। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउ एवर वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। देखिए, प्रत्येक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटल चेंज होता है उसको तुरंत मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो है जो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी पूरी तरीके से दरकार नहीं होती है। रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वॉज नेसेसरी बट विज्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वॉन्टेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। देखिए, समाज में हमेशा दो तबका होता है। एक तबका वो होता है जो सामाजिक बदलाव होता है उसमें वो ग्रेजुअल चेंज चाहता है, यानी कि जैसे कि हम पहले
रोटी खाते थे, ठीक है, रोटी के बाद हम पराठा ना खा के हम डायरेक्ट अगर ब्रेड खा लें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रैपिड चेंज हो गया, यानी कि तुरंत बदलाव हो गया, अब हम सिर्फ ब्रेड खाते हैं। लेकिन एक ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज का फायदा ये होता है कि समाज में अगर धीमे धीमे चीजों में बदलाव हो तो उसका फायदा ज्यादा होता है। समवेयर कंजर्वेटिव कुछ लोग जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, यानी संकीर्ण होते हैं। संकीर्ण होने से मुराद क्या होता है, जो यानी कि प्राचीन प्रथाएं या जो रीति रिवाज कस्टम्स वगैरह चले आ रहे हैं उनको फॉलो करने वाले क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं। लिबरल्स कौन होते हैं, जो नए विचारों के लिए एकदम लिबरल होते हैं, यानी कि उदारवादी होते हैं, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए, जो नए विचारों के लिए जो एकदम तुरंत उसको लागू करना चाहें वो उदारवाद होते हैं। और रेडिकल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स वो होते हैं जो मतलब कि नए विचारों को लगाने के लिए, ठीक है, या उनको प्रचार प्रसार कराने के लिए इस तरीके के संसाधनों का प्रयोग करते हैं कि चीजें वायलेंटली जो हैं इम्प्लीमेंट हो, तो वो क्या हो जाता है, वो रेडिकल्स होते हैं। व्हाट दिस टर्म्स रियली मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम, अब देखिए इन कंटेक्स्ट का उस समय के हिसाब से क्या जो है प्रयोग रहा होगा तो उसको आप समझ सकते हैं। जैसे कंजर्वेटिव्स कौन रहे होंगे, वो लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बड़े बड़े पद पे रहे होंगे वो कंजर्वेटिव्स रहे होंगे। उनकी बात ये रही होगी कि जैसा राजशाही तंत्र जैसा चला आ रहा है वैसा ही बना रहा है। लिबरल्स कौन रहे होंगे, उन्होंने जिन्होंने ये कहा होगा कि देखिए आप स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की इन सारी विचारधाराओं का प्रयोग करके समाज को जो है एकता से जोड़ा जाए और नए नए सोसाइटल चेंजेस लाए जाएं। और रेडिकल्स कौन रहे होंगे, रेडिकल्स वो लोग रहे होंगे जैसे जैकबिन क्लब्स के लोग रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि किसी भी चीज को अगर आप जो है इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जो है आप मसल पावर मनी पावर सारी चीजों का इस्तेमाल करिए। व्हाट सेपरेटेड दिस स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर, और यही जो है राजनीति को जो है यही वैचारिक जो मतभेद होते हैं कहीं ना कहीं क्या होते हैं एक तरीके का स्टैंड्स तैयार करते हैं राजनीति में। राजनीति में अलग अलग वैचारिक जो परिस्थितियां होती हैं या वैचारिक घेराबंदी की जो स्थिति होती है उसको तैयार करते हैं। वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कंस्ट्रक्ट ऑफ ऑल टाइम, देखिए प्रत्येक टाइम के हिसाब से वक्त के हिसाब से कंटेक्स्ट भी चेंज होता है और उसके लिए जरूरी नहीं है कि इन टर्म्स का आप इस्तेमाल करें। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंजेस, हम लोग जो है 19वीं शताब्दी के कुछ बदलाव वगैरह हैं उनको देखेंगे जो बहुत तेजी से बदले हैं। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट विच दे वेयर देन अटेम्प्ट टू एन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, फिर जो है हम एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समाज भी हम समाज का जो है एक त्वरित जो बदलाव होगा उसको भी देखेंगे एक बड़ी क्रांति के माध्यम से, थ्रू द रेवोल्यूशन इन द रशिया, जो कि रशिया में हुई एक क्रांति थी। सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में समाज में सबसे तेजी से और बड़े स्तर पर बदलाव लाने वाले क्रांतिकारिक या जो विचार रहा है उसमें समाजवाद का सबसे बड़ा रोल रहा है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये रशिया में हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि लिबरल्स रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और इसे देखते भी हैं। देखिए लिबरल्स यानी कि उदारवादी, रेडिकल्स माने क्रांतिकारी या जो त्वरित बदलाव वाले होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, संकीर्ण होते हैं। वन ऑफ दीज ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वे आर द लिबरल्स, ठीक है, समाज में जो सीधे सीधे बदलाव चाहते हैं वो लोग कौन होते हैं, लिबरल्स होते हैं। लिबरल्स वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, लिबरल्स उदारवादी वो होते हैं जो एक राष्ट्र के अंदर स्थित सारे धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ सहिष्णु रहते हैं। वी शुड रिमेम्बर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली डिस्क्रिमिनेटेड, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्री थी वो जो है फेवर नहीं करती थी फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। जैसे कि अब इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन को ही जो प्रायोरिटी दी जाएगी उसे ही माना जाएगा। जैसे कैथोलिक चर्चेज हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, यहां पर सिर्फ किसे फेवर किया जाएगा, कैथोलिक चर्च को किया जाएगा। तो ये क्या है, लिबरल विचारधारा के अगेंस्ट में है। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, लिबरल जो है इस विचारधारा के भी खिलाफ थे कि देखिए आप जो है सिर्फ खाली एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पे जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं यानी कि
जिनके बाप राजा रहे हैं बाई ब्लड लाइन, जो जैसे नहीं कि मतलब कि पितृसत्ता के तौर पे जो राजशाही तंत्र मिला हुआ, काबिलियत के तौर पे नहीं मिला हो, तो उदारवादी जो है इसके भी खिलाफ थे। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेन गवर्नमेंट। दरअसल उसकी वजह ये थी कि आम व्यक्ति की सरकार के खिलाफ जो है सुरक्षा जो होती है ना, उसके लिए जो है लिबरल इन सारी सेफ गार्ड्स या सुरक्षा कवच की मांग करते थे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंस्टीट्यूटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। देखिए लिबरल्स लोग जो हैं एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे या एक ऐसे समाज की मांग करते थे जहां पर जो पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो प्रतिनिधि हो, वो लोगों के माध्यम से चुने जाएं और फिर उसके बाद जो हो एक इलेक्टेड जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की स्थापना हो, यानी कि एक संसदीय जो है सरकार की स्थापना हो, और जो भी कानून वगैरह बनाए जाए वो वेल ट्रेन जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो हो और स्वतंत्र हो, स्वतंत्र न्यायपालिका और उसके जो है शासकों या ऑफिशियल्स अधिकारियों के माध्यम से जो है बेहतर कानून बनाया जा सके जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। हाउएवर दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन तब भी वो जो है डेमोक्रेट्स नहीं थे उस टाइम के हिसाब से, ठीक है, कंटेक्स्ट इनका अलग है। दे डिड नॉट बिलीव इन ए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि दरअसल वो लोग डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे, उसकी वजह यह थी कि वो प्रत्येक व्यक्ति के मत की कीमत को मत नहीं समझते थे। वजह यह थी कि वो गरीब व्यक्ति को ये मानते थे कि ये वोट ना करें, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। लेकिन यही तो चीज को समझने की जरूरत है कि यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज का मतलब ही क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति वो महिला पुरुष जो भी हो, किसी कास्ट क्लास ब्लड वो रिलीजन रीजन जिससे भी वो संबंधित हो उससे मतलब नहीं है। इफ इफ शी और ही इज 18 और 18 ईयर ओल्ड ही हैज वोट टू राइट। मेन बात ये थी, द फैट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट वोट फॉर द वोमेन, ठीक है। उस टाइम के जो लिबरल्स थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और खास करके यूरोपियन जो सोसाइटी में जो लिबरल्स थे, उनका मानना ये था कि वोट का अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, और महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। अब रेडिकल्स का क्या मानना था, रेडिकल्स का मानना था कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, तो जो देश की जो बहुसंख्यक जनसंख्या थी उसके माध्यम से रूल की जानी चाहिए या शासन होना चाहिए पूरे देश में, रेडिकल्स ऐसे मानते थे। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रगेट मूवमेंट, और इसमें से जो है जो सफ्रगेट जो क्रांति जो आंदोलन था उसका भी उन्होंने समर्थन किया था। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, तो लिबरल्स लोग क्या करते थे, लिबरल्स लोग जो है जो प्रिविलेजेस होते थे जो बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह जो फायदे उठाते थे उनके खिलाफ थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी दे वेयर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो रेडिकल्स लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि जो निजी संपत्ति जिनकी होती थी वो उसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो उन लोगों के जरूर खिलाफ थे लेकिन जो सिर्फ खाली जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू करते थे। मतलब कि कुछ लोगों के, यानी कि एक सोसाइटी है जहां पर 100 लोग हैं, उसमें से सिर्फ खाली 5 लोगों के पास जो है पूरे समाज की एसेट और संपत्ति है, तो इससे क्या होगा। इससे यही चीज समझ में आती है कि सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिले, इक्वल राइट्स वगैरह मिले, ठीक है। अब हम लोग तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव जो होते थे वो लोग क्या थे, वो लोग लिबरल्स के भी खिलाफ थे और रेडिकल्स के भी खिलाफ थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउ एवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज, और फाइनली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाती है, फ्रांस की क्रांति हो जाती है, उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स भी जो हैं, ठीक है, जो कंजर्वेटिव हैं यानी कि दक्षिणपंथी भी इन्हें कहा जाता है, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग भी जो है अब बदलाव की तरफ आ गए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैज बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, और 18वीं शताब्दी से पहले जो जो संकीर्णवादी थे ये लोग भी जो है बदलाव के विचार से बहुत डरते थे या बदलाव के विचार का विरोध करते थे। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनएविटेबल बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट द स्लो प्रोसेस। तो 19वीं शताब्दी के बाद फाइनली उनके विचारों में भी बदलाव आने लगा, लेकिन उनका मानना यह था कि जो पास्ट के जो भी अच्छे कस्टम्स रीति रिवाज रूल्स थे उनकी भी इज्जत की जानी चाहिए, और जो बदलाव है वो एक धीमे यानी कि स्लो प्रोसेस के माध्यम से लाना चाहिए। स्लो प्रोसेस के माध्यम से लाने से क्या होता है,
उनकी वैल्यू वगैरह बनी रहती है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है, क्योंकि लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव, इनका मतलब समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्माइल दैट फॉलोड द फ्रेंच। तो क्या होता है, बीच बीच में द्वंद भी हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद, जो है जो पॉलिटिकल टर्माइल, जो पॉलिटिकल ऊहापोह की जो स्थिति उत्पन्न हुई, उससे जो है सोसाइटल चेंज में क्लैश वगैरह भी हुआ, समाज में एक दूसरे से झड़प भी हुई। द वेरियस अटेम्प्ट एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज। तो अब इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल जो टेंडेंसीज होती हैं उनमें भी जो है बहुत सारी चीजें बदली। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोसाइटल चेंज, यानी कि जो औद्योगिक समाज और समाज में बदलाव। दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। ये क्या होता है कि ये एक तरीके के नए वक्त की शुरुआत कह सकते हैं। इट वॉज अ टाइम ऑफ अ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। इसमें क्या हुआ, समाज और आर्थिक बदलाव की शुरुआत हुई। इट वॉज अ टाइम वेन न्यू सिटीज केम अप। अब नए नए शहरों की स्थापना हो रही थी। वजह यह हो रही कि वहां पर जब उद्योग डेवलप किए जा रहे हैं तो लोग वहां से माइग्रेट हो रहे थे गाँव से, और वो वहां पर जाके रहना शुरू कर दिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रेलवे वगैरह जो है एक्सपेंड हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगातार हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। तो औद्योगिकरण जो है, यानी कि औद्योगिक की बड़े स्तर पर जो शुरुआत है, तो उसने क्या किया कि मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन तीनों को क्या हुआ, उद्योग में ले आया काम करने के लिए। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। तो क्या हुआ, शुरुआती दिनों में जो है काम के जो घंटे थे वो बहुत ज्यादा थे, और जो उनकी वेजेस थी, मजदूरी थी, वो बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। शुरू में क्या हुआ कि जो बेरोजगारी थी वो बहुत ही कॉमन थी। उसकी वजह क्या थी कि वस्तुओं की डिमांड नहीं थी, जिस वजह से इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वाज प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। अब देखिए क्या हुआ है कि उद्योग जब एक एस्टैब्लिश होता है, उसी के अगल बगल में बहुत छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी छोटी जो है मलिन बस्तियां तैयार हुई, तो उससे क्या हुआ कि सैनिटेशन, जो सफाई और वगैरह के जो मेजरमेंट होते हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से लिए गए और उनका जो है फायदा भी नहीं हुआ। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने जो है इन सारी चीजों की जो है सॉल्यूशन जो है खोजने का उन्होंने प्रयास किया। अब देखिए, जैसे कि ये उस टाइम के एक बार की या पब की है, रुकिए मैं नीचे देख के बताता हूँ क्या है। द लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी आर सीन बाय द कंटेम्प्रेरी। देखिए क्या हुआ कि ये वहां के लोग जो हैं एक जगह पर रह रहे हैं फैक्ट्री के पास, ये लंडन की स्थिति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब इससे देख के क्या समझ में आता है कि एक घेटो टाइप की सिचुएशन है, जहां पर क्या है कि लोग बहुत ज्यादा हैं और उनके अंदर जो है बारबारिक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पर जो है ना, तो मतलब जो सिविल जो हैबिटेट जो हैबिट्स होती हैं उनकी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही, इसके बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो क्या, इंडिविजुअल्स की संपत्ति थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्स वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जितने भी उदारवादी थे, रेडिकल्स भी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो थे उन वो भी क्या है प्रॉपर्टी के ऑनर्स और एम्प्लॉयर्स ही थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडिविजुअल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट्स शुड बी इनकरेज। और उन्होंने भी जो अपनी संपत्ति बनाई थी वो क्या थी, व्यापार और उद्योग के माध्यम से बनाई थी, और उन्हें ये लगा कि इसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बी बर्थ द फैमिली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट लेबर एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि प्रिविलेजेस जैसे ओल्ड एरिस्टोक्रेसी वगैरह के थे, उसको जो है कम करने की बात की गई। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट द बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप। तो उन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भी इंश्योर करने का प्रयास किया कि पुअर जो है, जो गरीब आदमी हमेशा गरीब रहेगा अगर उसे जो है समाज में बदलाव नहीं दिया जाएगा, उनके जो वेजेस वगैरह हैं उन्हें बेहतर नहीं की जाएगी। तो फिर सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815।
1815 में जिस तरीके की यूरोप में सरकार थी, तो तीन अलग अलग ग्रुप थे, राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल्स जो थे, उग्रवादी या क्रांतिकारी जो थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक ऐसे गवर्नमेंट को फॉर्म करने की बात की जो इक्वल राइट्स, इक्वालिटी और जो फ्रीडम और लिबर्टी की जो है नींव रखे, शुरुआत करें। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया देवर बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू आउटथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। और फिर जो फ्रांस था, इटली था और जर्मनी और रशिया थे, यहाँ के जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने वहाँ पे जो स्थित जो मोनार्क्स थी, जो राजशाही तंत्र था, उसको उखाड़ फेंकने के प्रयास शुरू किए। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजंस वुड हैव। तो जितने भी राष्ट्रवादी वगैरह थे, उनका मानना यह था कि हम एक ऐसे राष्ट्र या राज्य की स्थापना करेंगे जहां पर लोगों के इक्वल राइट्स वगैरह होंगे। और 1815 में जो गिउसेप्पे मेज़नी थे, इटालियन नेशनलिस्ट, उसने जो है कंस्पायर भी किया इटली के खिलाफ, और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें शुरू हुई जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर द कमिंग सोशलिज्म टू यूरोप, ठीक है, द कमिंग सोशलिज्म ऑफ यूरोप का मतलब क्या हो रहा है कि यूरोप की जो सोसाइटी थी वहां पे जो है सोशलिज्म यानी समाजवाद का आना प्रारंभ हुआ। समाजवाद का आने से मतलब क्या है, सामाजिक जो बदलाव होता है उसकी बात हो रही है। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। समाज आने वाले टाइम में जो है फॉर रीचिंग जो विजन था, विजन का मतलब क्या होता है, आने वाले टाइम के बारे में पहले से कोई जो प्लानिंग वगैरह या स्कीम्स वगैरह तैयार करना है, तो सोसाइटी को लेकर जो प्रीविजन था वो कहीं ना कहीं समाजवाद था। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो इसने जो है ज्यादातर लोगों को जो है प्रभावित किया सोशलिज्म ने, समाजवाद ने। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, समाजवादी जितने भी थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो जितने भी सामाजिक बुराई जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के मातहत थी, ये समाजवादियों का मानना था। क्यों? इंडिविजुअल ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वेयर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। दरअसल समाजवादियों का मानना यह था कि जो फैक्ट्री वगैरह है या जो इंडस्ट्री वगैरह है या प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका जो ऑनर होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसको बनाने वाले, उसमें काम करने वाले, उसको प्रॉफिट दिलाने वाले हजारों की तादाद में गरीब मजदूर होते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑनर होता है उसका मेन लक्ष्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना होता है, और समाज में, समाज को किस तरीके से वो प्रभावित करेगा, समाज को किस तरीके से प्रभावित करेगा अगर कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी ही होगी, तो क्या होगा कि एक से जो एक जो छोटा जो हिस्सा है समाज का वो लगातार अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर ऑपरेट, व्हाट कुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी किस तरीके से, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, समाज किस तरीके से जो है संपत्ति को ऑपरेट करेगा, और आधार क्या होगा सोशलिस्ट सोसाइटी का, यानी कि सामाजिक समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, इसके बारे में बात हो रही है। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग जो है सहकारिता पे बात करेंगे। रॉबर्ट ओवेंस हैं, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है न्यू हार्मनी इन इंडियाना जो यूएसए में जगह है उसको लेके जो है कोऑपरेटिव कम्युनिटी यानी सहकारिता के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो है जो अमीर और गरीब लोग हैं या कॉरपोरेट लोग हैं एक दूसरे से कॉपरेट करके सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। उसी तरीके से फ्रांस में जो है लुइस ब्लांक करके हैं, उन्होंने जो है इनकरेज किया है कॉपरेटिव और रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को, तो जो है ताकि जो जो सहकारिता उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिससे क्या हो जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जो इंटरप्राइजेस हैं उनको हटा के उनकी जगह जो है कॉपरेटिव व्यवस्था को लागू किया जा सके। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं, यानी कि 1800-1833 जो है कार्ल मार्क्स का बर्थ और डेथ का जो टाइम है, फ्रेडरिक एंजल्स जो 1820-1895 के बीच में रहे हैं, एडेड अदर आइडियाज टू बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने जो अपने जो भैसा भैसी के माध्यम से जो उन्होंने आइडियाज दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, उनका ये मानना था कि जो व्यक्तिगत जो समाज होता है वो क्या कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री, और कैपिटलिस्ट क्या होते हैं जो पूंजीवादी होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्ट करते हैं प्रोड्यूस बाय वर्कर, मजदूरों के मेहनत से जो है वो लोग प्रॉफिट गेन करते हैं, लेकिन मजदूरों की कंडीशन इस वजह से ठीक नहीं होती है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं कैपिटलिस्ट, और वो लोग जो है मजदूरों को उनका सही मुआवजा नहीं देते हैं। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्स
फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोसाइटी सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्टिक कम्युनिटी कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि मार्क्स किस तरीके की समाज की स्थापना करना चाह रहा है। मार्क्स एक ऐसे समाज की स्थापना कर रहा है जहां पर सारी संपत्तियों पर किसी व्यक्तिगत या एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, उस पर जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होगी और उस पर समाज कंट्रोल करेगा, ना कि एक व्यक्ति कंट्रोल करेगा। और यह समाज किस तरीके का समाज कहलाएगा, यह समाज जो है एक तरीके का समाजवादी या साम्यवादी समाज कहलाएगा, जिसे कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब समाजवाद जो है अब उभरा है तो उसको लेके कुछ ना कुछ जो है क्रिटिसिज्म वगैरह भी हुए होंगे। रिएक्शन क्या रहा यूरोप का, ठीक है, द कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नेम द सेकंड इंटरनेशनल। और फिर सेकंड इंटरनेशनल करके जो है एक तरीके की इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है जो पूरे विश्व में क्या होगा या यूरोप में जो है जो समाजवाद का विचार है उसको फैलाने के लिए प्रोपोगेशन करेगा। वर्कर्स इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, ठीक है, नए लगातार जो है एसोसिएशन यानी कि संघ वगैरह बनने लगे, यूनियन वगैरह बनने लगे, जिनका आधार क्या होगा, जिनका आधार ये होगा कि हमें एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना करना है। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जैसे जर्मनी में हो जाती है 1905 के पास। सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन 1905 के बाद जो है सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो इतने भी होते हैं वो लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी होती है फ्रांस में। ये सारे क्या हैं, ये कहीं ना कहीं सोशलिज्म के यूरोप में अग्रदूत माने जा रहे हैं पार्टी के तौर पे, जो आने वाले टाइम में कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना करने के बारे में लगातार जो है कार्यरत रहेंगे। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 से क्या मतलब है, 1914 से मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कभी भी यूरोप में कोई भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बन पाए। रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स देयर आइडियाज डिड नॉट डिड शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बाय द रन कंजर्वेटिव्स लिबरल एंड रेडिकल्स, ठीक है। तो इसमें फाइनली ये समझ में आया कि 1914 से पहले की जो सोसाइटी थी, समाज था, वो अभी भी जो है लिबरल कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स यानी कि संकीर्णवादी उदारवादी और रेडिकल्स यानी कि उग्रवादी, इन्हीं के माध्यम से जो है अभी भी जो है पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स थी अभी इन्हीं के हाथों में थी, अभी सोशलिस्ट लोगों के हाथों में नहीं थी, ठीक है। ये एक तरीके की पेंटिंग है जो पेरिस कम्यून से रिलेटेड है 1871, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर अब ओवर होता है। ये एक तरीके का ओवरव्यू है कि किस तरीके से जो है यूरोप को सोसाइटी जो है यूरोप की जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से जो है कवर करेगा देखेगा। तो इन सारी चीजों को जो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं कम्युनिस्ट आइडियाज आने के बाद, हमने इसमें समझने का प्रयास किया। और हमारा जो अगला चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।